नमस्कार, मैं उज्जवल कुमार, यूबीबी न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है इंडिया के मोस्ट वर्सेटाइल डीजे एंड अ मोस्ट वर्सेटाइल सिंगर अमित कौर। तो आइए आज इनसे जानेंगे, इनका एक गाना लॉन्च हुआ है झांझरा, तो उसके बारे में आज इनसे बात करेंगे। सर, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि जो ये आज गाना लॉन्च हुआ है झांझरा, इसके बारे में आप पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर ये झांझरा है क्या। हाय, फर्स्टली थैंक यू दिल्ली इतना प्यार दिता तुसी। माय नेम इज सुमित सेठी, ए हैगी सुपर टैलेंटेड अमित कौर जी, एंड ये गाना हमारा एक वेडिंग प्रोजेक्ट है विच इज़ अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ मिस्टर बबली सिंह, तेजवंत सिंह लांबा जी। एंड ये शादियों के ऊपर गाना है। आपके घर में शादी हुई है या होने वाली है? तो द होल क्रिएशन फ्रॉम डिसाइडिंग अ बॉय फ्रॉम अ गर्ल साइड टू द बॉय साइड टू शादी टू परसोना एवरीथिंग रिसेप्शन, तो ऐसा मजा आने वाला है इस गाने के अंदर। तो सर, मैं आपसे पहले ये जानना चाहूंगा कि आपकी खुद की शादी हो रखी है? थैंक यू, आपने सही सवाल पूछा। जैसे ही लड़की मिलेगी, मन पक्का होगा, रिश्ता पक्का, आपको कार्ड पहुंच जाएगा। आपके दिल में कोई हो तो बता देना। आप देख लीजिए, जो दर्शक ये शो देख रहे हैं, जो गर्ल्स स्पेशली ये शो देख रही है, तो सुमित सेट्टी जी ने साफ उन्हें कहा है कि वो अभी शादी नहीं हुई है, तो आप अपने इन्विटेशन भेज सकते हैं। आप मैम से बात करेंगे। मैम, स्वागत है आपका। सुमित सेट्टी, अरे सर, मेरी संगीत से जाती है। मैम, इस गाने के बारे में आपका क्या कहना है? बस गाना रिलीज हो चुका है, मैं यही कहूंगी कि सब लोग सपोर्ट करें एंड अच्छा होगा सब। अच्छा। मैम, आज आप यहाँ पे दिल्ली में आए, तो दिल्ली में आपको कैसा लगा? या आप आते रहते हैं दिल्ली में, या आपके फर्स्ट विजिट है दिल्ली में? वैसे तो दिल्ली में मैं आती रहती हूँ, लेकिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये आई थिंक फर्स्ट टाइम ही है मैं दिल्ली में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। बहुत अच्छा लगा मुझे, यहाँ का मीडिया बहुत सपोर्टिव लगा, सब बहुत सही। हाँ मैम, अभी जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो आपने कहा कि आप कश्मीर जम्मू में रहती थी, आज जम्मू से आप शिफ्ट हो गए थे चंडीगढ़ में, तो जब ये शिफ्टिंग हुई तो उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? क्या आप म्यूज़िक के लिए वहाँ पे शिफ्ट हुए थे? जी ऑफ कोर्स, बिल्कुल। हाँ, वैसे मैं ब्रॉट अप जम्मू से हूँ, तो उसके बाद अभी मैं 2 ईयर से चंडीगढ़ शिफ्ट करी हूँ, तो हाँ। क्या म्यूजिक के लिए मैंने शिफ्ट किया था? 2017 में मेरा चला का सॉन्ग आया था, जो मेरा डेब्यू था। मेरे डेब्यू के बाद से पंजाबी इंडस्ट्री में मुझे बहुत सारा प्यार मिलना शुरू हो गया एंड शोज वगैरह, तो उसके बाद मेरा रियाज, फिर मैंने वहीं पे क्लासेस लेने शुरू कर दी फोक की, पंजाबी फोक की। तो अभी मैं चंडीगढ़ में ही ज़्यादा स्टे करती हूँ रिगार्ड म्यूजिक के दौरान। मैं सुमित जी से एक सवाल लेना चाहूँगा। सुमित जी, आपने काफ़ी वेल नोन मूवीज़ में अपना म्यूजिक दिया है। अभी हाल फिलहाल एक मूवी आती है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, उसमें भी आपने बैकग्राउंड स्कोर दिया है, तो कैसा लगता है जब आपको इतने बड़े बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है? उसमें मैं म्यूजिक डायरेक्टर था और बैकग्राउंड स्कोर करा मैंने जी। सर, उसका एक्सपीरियंस अलग है, वो तो अलग दुनिया है सर। अनुपम खेर साहब, सुनील बोहरा साहब, विजय गुट्टे साहब, इतने बड़े, हाँ, उनकी सोच, उनकी अलग, मतलब फिल्म बनाना तो एक अलग ही चीज़ है, अलग ही जज्बा है। तो कैसा फील होता है आपको वहाँ पे? मतलब सर, जब पिक्चर बड़े लोग सर, मैं जब मैं 70 mm पे वो फिल्म, जब मैं फिल्म के पर्दे पे वो फिल्म देख रहा था, तब मुझे पता लगा कि मैंने लाइफ में क्या काम करा। थैंक यू सुमित जी, थैंक यू।